नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान LDC भर्ती 2022 को लेकर आप सबके लिए बहुत बड़ी खबर इस समय की निकल के आ रही है। आपको बताएं दोस्तों, राजस्थान LDC के 14,000 पदों पर विज्ञप्ति इसी सप्ताह आपकी जारी होने वाली है। 30 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान LDC जो भर्ती है दोस्तों, उसको राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा तिथि क्या रह सकती है, बोर्ड का क्या अपडेट है इसको लेकर दोस्तों, जो LDC भर्ती आने वाली है इसको लेकर सभी जिलों से सूचना मांगी गई थी रिक्त पदों की, ताकि विज्ञप्ति तैयार की जाए। और सूचना दोस्तों 5 दिनों के अंदर माध्यम शिक्षा निदेशालय बीकानेर को पहुंच भी चुकी है। इसके बाद जो बीकानेर विभाग है दोस्तों, वो बोर्ड को इसको सौंप देगा और इसी सप्ताह में आपकी जो विज्ञप्ति है दोस्तों वो जारी हो जाएगी। ये देख सकते हैं दोस्तों, आज से 3 दिन पहले की अपडेट है कि जो नई आने वाली LDC भर्ती है उसकी जो सूचना मंगवाई गई थी कि कितने पद रिक्त हैं 5 दिनों के अंदर, और सभी जो सूचना है दोस्तों DO ऑफिस से या फिर जिला शिक्षा अधिकारी से जो है सूचना मेल के द्वारा राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को अब दोस्तों जो है सूचना पहुंच जाएगी। इसके बाद आपकी विज्ञप्ति तैयार की जाएगी कि कितने पद रहने वाले हैं दोस्तों। इसमें आपको बता दूं, अलग अलग इसमें पद रहेंगे, जो है SC कैटेगरी के अलग रहेंगे, ST कैटेगरी के अलग रहेंगे दोस्तों, OBC और जनरल कैटेगरी, इन पदों का वर्गीकरण किया जाएगा जिलेवार। इसके बाद आपकी पूर्णतः विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। 13,000 से ऊपर जगह हैं दोस्तों, लगभग आप 14,000 जगह मान के चलिए, इन पर आपकी LDC भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा। इसकी जो भर्ती परीक्षा का आयोजन है दोस्तों, इसको लेकर जो कैलेंडर जारी किया गया था राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, उसमें दिसंबर में परीक्षा करवाने के यहाँ पर दोस्तों संभावित डेट दी गई थी, लेकिन उससे पहले भी आपकी LDC भर्ती सेकेंड ग्रेड की भर्ती है दोस्तों, इसको करवाया जा सकता है। इसका जो वेतन भत्ता है दोस्तों, 20,800 से लेकर 80,500 तक ग्रेड पे आपका रहता है। इसका 8वीं मैट्रिक इसमें ग्रेड पे आपको दिया जाएगा। और इसी के साथ इसकी जो आयु सीमा है, 1 जनवरी 2023 तक आपकी आयु है वो 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। इसमें ग्रेजुएशन आपको चाहिए दोस्तों, प्लस आपके पास RSC IT या इसके समकक्ष कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दो पेपर होंगे दोस्तों इसमें, आपका पहले पेपर में आपकी जनरल नॉलेज GK आएगी, जनरल साइंस आएगी, मैथमेटिक्स आएगा। दूसरा पेपर आपका लैंग्वेज टाइप का होगा, हिंदी और इंग्लिश का। और इसके बाद आपके दोस्तों कंप्यूटर टेस्ट भी इसमें रहने वाला है। इसका विस्तृत सिलेबस अलग से जारी किया जाएगा। सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित 3 घंटे का पेपर होगा, 100 अंक का। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, इसका भी 3 घंटे का पेपर होगा, 100 अंक का। इसके बाद आपको अगर इसको पास कर लेते हो तो आपको फेज 2 में कंप्यूटर और में हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग टेस्ट और गति परीक्षण के साथ दक्षता परीक्षण भी देना होगा। ये भी दोस्तों 25-25 अंक यानी 50 और 100 अंक का आपका टोटल ये हो जाएगा। इस प्रकार से 300 अंक का टोटल आपका दोस्तों वेटेज बनेगा, और उसी के आधार पर आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी फाइनल मेरिट लिस्ट में। इससे पहले दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग 4 गुना छात्रों को लिया जाएगा। तो पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, दूसरे चरण में हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों पूर्ण सिलेबस जल्द ही आपका जारी होगा ऑफिशियली वेबसाइट पर। 150 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा, 100 अंक का आपका पेपर आएगा। तो दोस्तों राजस्थान LDC भर्ती इसी सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। 30 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने की उम्मीद है। जय हिंद, वंदे मातरम।